फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्किन ग्राफ्टिंग जो हम विटिलिगो पैचेस पर देते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा पैच है जिसको स्किन ग्राफ्टिंग से ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो स्किन ग्राफ्टिंग से पहले एरिया को रफ करना पड़ता है, जो ऊपर का स्किन है उसको पील आउट करना पड़ता है, ताकि जो पिन पॉइंट ब्लीडिंग है, जब उस लेवल तक, जिसको डर्मिस बोलते हैं, डर्मिस के लेवल तक जब चले जाते हैं, उसके बाद जब स्किन ग्राफ्टिंग डालेंगे तो वो मेलानोसाइट सेल्स को अपडेट करता है। और जब लाइट थेरेपी हम लोग 3 to 6 months रेगुलरली एक्सपोज करते हैं तो रिज़ल्ट आता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, लेज़र से यहाँ पे स्किन को रफ किया है, लेज़र शॉट्स आप देख सकते हैं। और लेज़र के बाद में डर्माब्रेशन टेक्निक का यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिससे वी आर इंश्योरिंग कि वी आर रीचिंग एट द राइट डेप्थ। जो डर्मिस है जहाँ पे ब्लड वेसल्स एक्टिव होते हैं, उस लेवल तक अभी इसको डर्माब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक लार्ज एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एरिया का मार्किंग है कहीं कहीं लिखा भी हुआ है। और डर्माब्रेशन करने के बाद में स्किन ग्राफ्ट को यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है स्किन ग्राफ्टिंग का विटिलिगो में। और अभी आप देख सकते हैं, जो ग्राफ्ट हमने प्लेस किया है उसको सर्जिकल ग्लू से इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपनी जगह से हिले नहीं जब बॉडी का मूवमेंट हो, क्योंकि 1 week का ड्रेसिंग रहता है ट्रीटमेंट के बाद में। और सर्जिकल ग्लू से इसको फिक्स कर रहे हैं ग्राफ्ट को। एक इवन अल्ट्रा थिन ग्राफ्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ्ट है हर तरफ से एक लेयर का है और काफ़ी थिन है, बहुत पतला है, ताकि जहाँ से लिया है डोनर साइड थाई से लिया है वहाँ पे हीलिंग जो है बहुत अच्छा और जल्दी हो जाएगा। ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 3 to 6 months में आएगा रीपिगमेंटेशन का। तो आपने अपना समय निकाल के इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। थैंक यू।